बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने इससे पहले एक चैप्टर का कंप्लीट किया है जिनका नाम था सेट, और उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे और उनके कुछ रिलेशंस पढ़ी थी हमने कि सेट क्या होता है। आज नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिनका नाम है बेस, एक्सपोनेंट, रेडिकेंड, इंडेक्स, रेडिकल, रेडिकल साइन, ये सारे सब कुछ हम पढ़ेंगे। हमारे पास मैथ्स में चाहे अलजेब्रा हो या मैथ्स अर्थमेटिक हो, उसमें हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक नंबर लिखा हुआ है 2, और इनके नंबर ऊपर एक छोटा सा पावर लिखा हुआ है, इसे मैथ्स में कहते हैं, इस बड़े वाले नंबर को कहते हैं बेस और इस छोटे वाले नंबर को कहते हैं पावर। पावर का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको। अब हमारे पास एक बेस कहलाता है, एक पावर कहलाता है, ये इंडेक्स कब होता है और ये रेडिकेंड कब बनता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके पास एक नंबर में नोट करूं कि ये 3 है और इनके ऊपर एक रूट लगा हुआ है, अब ये जो नंबर है ये बेस नहीं कहलाएगा, इसका नाम कन्वर्ट हो जाएगा बेस से, वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा रेडिकेंड। इस रूट साइन को कहते हैं रेडिकल, रेडिकल साइन। और हमारे पास आपको मालूम है कि रूट की वैल्यू होती है 2, और अगर यहाँ पे 2 नहीं बल्कि अगर 4 लिखा हुआ हो तो वैसे तो यहाँ इसको पावर कहते थे, लेकिन अब ये पावर नहीं बल्कि ये कहलाएगा इंडेक्स। इनके नाम नोट कर लीजिए, इस रूट वाले साइन को कहते हैं रेडिकल, इस नंबर को जो बेस था वो रेडिकेंड में चेंज हो गया, और ये जो पावर थी ये इंडेक्स में चेंज हो गया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास ये लिखा हुआ है एक वैल्यू, इसे आप चेंज कर लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 फॉर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है रेडिकेंड फॉर्म और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो हमारे पास है ये सब कहलाता है रेडिकेंड फॉर्म, और इसे हम अगर एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे, एक्सपोनेंशियल इसे कहते हैं, देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि ये इसकी वैल्यू थी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल से ही निकला है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँगा तो ये क्या आएगा, ये जो रेडिकेंट था बेस, ये बेस ही बन जाएगा, और ये जो रूट की वैल्यू थी ये अब ऐसे आएगी। आपको मालूम है रूट की वैल्यू होती है 1/2, रूट की वैल्यू होती है 1/2, इनकी वैल्यू होती है रूट की 1/2, लेकिन जब ये इसके पास पावर 4 आ जाए तो अब ये हो जाएगा 1/4, और अगर ये 4 के बजाय पी होता पी, तो अब ये 1/4 नहीं बल्कि 1/p होता। मतलब ये है कि अगर कोई नंबर पावर यहाँ पे आ जाए तो फिर यहाँ पर वही पावर आएगी, अगर कोई भी पावर नहीं है, पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या होती है रूट की वैल्यू, मैंने आपको क्या कहा 1/2, तो यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी 1/2। ये रेडिकेंड फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब अगर नंबर्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, बड़े बड़े नंबर्स हमारे पास जो आएंगे उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर आपके पास लिखा हुआ है कि 11/y और इन सब के ऊपर रूट लिखा हुआ है और रूट की वैल्यू है 5, इसे कह रहे आप एक्सपोनेंशियल में चेंज कर ले, एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करेंगे, हमारे पास 11 ये है y और इसकी वैल्यू क्या है 1/5, तो ये रूट में 5 से कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा 1/5। अब हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि 1/5 को या रूट को या एक्सपोनेंशियल को आप कैसे चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू हमेशा ऐसे निकलती है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप 8 की वैल्यू निकालें, 8 को सॉल्व करें, तो इनका एक ही तरीका है, आप इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम जब लेंगे 2 से एलसीएम लेंगे, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, ये जो सारे हैं ये इनके फैक्टर कहलाएंगे और ये इनका मल्टीपल होगा, 8 इन सब का मल्टीपल है और ये सारे इनके फैक्टर्स हैं। तो अगर अब मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 8 को कि हमारे पास 2 है और 2 की तादाद कितनी है, टाइम्स, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2
मल्टीप्लाई बाई टू, तो ये टू टूज़ आर फोर और फोर टूज़ आर एट, ये एट में कन्वर्ट्स हो गया। तो हमारे पास ये बेस एक सिंपल फॉर्म में था, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, इनकी वैल्यू निकल गई है। अब हमारे पास अगर कोई वैल्यू हो कि आप बताएं इसकी वैल्यू 16 और यहाँ पे है रूट, अब इनको कैसे निकालेंगे? आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए जब हम रूट को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी आपको बताइए इनकी वैल्यू होगी 1/2, रूट की वैल्यू क्या हो गई, किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2 में। अब 16 को ऐसे सॉल्व करना है कि इनकी कुछ पावर आ जाए और पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4, तो ये आएगा 16। कैसे, अगर आप 16 के एलसीएम निकालना चाहें 16 का, तो कैसे निकालेंगे कि 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 4। तो मैं इन्हें ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 1s are 2, 2 2s are 4, अब इनकी पावर क्या हो गई, यहाँ से इनका आंसर क्या आया, 2, और यहाँ पे रह गया 2, तो 2 2s are 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4। तो इस तरह इनकी वैल्यू निकलती है। अब हम एक बड़ा सवाल करने जा रहे हैं, जैसे बड़ी क्लासों में आपके पास होता है कि आप इनकी वैल्यू निकालें, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये है रूट, यहाँ लिखा हुआ है 125, यहाँ इनकी वैल्यू है 4 और यहाँ है इनकी वैल्यू क्यूब, और सब के ऊपर रूट लगा हुआ है लेकिन रूट इंडेक्स 3, इसे कहते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट वैल्यू। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए कि 125 एक्स की पावर 4 और वाई क्यूब, इन सब की होल पावर क्या बनेगी, यहाँ अगर 3 है तो रूट में इनकी वैल्यू क्या बनेगी, 1/3, ये 1/3 इन सब के साथ है, 1/3 125 के साथ भी है, 1/3 एक्स की पावर 4 के साथ भी है, और 1/3 वाई 3 के साथ भी है, सब के साथ 1/3 है। अब 125 को मैंने ऐसे नंबर से सॉल्व करना है कि हमारे पास 5 की कुछ या 2 की या 3 की कोई भी पावर आ जाए और 3 से हम वो पावर कैंसिल करें, कोशिश करेंगे कि इसकी पावर 3 निकालेंगे कि 3 के साथ 3 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 125 इनका मैं अगर एलसीएम निकालना चाहूँ 5 से, तो 5 2s are 10, ये तो 12 थे तो 2 यहाँ कन्वर्ट हो गए, ये 25 हो गया, 5 5s are 25, 5 5s are 25 और 5 1s are 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 कितने टाइम्स लिख सकता हूँ, मैं इन्हें ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 5 3 टाइम है, तो 5 जब ये 3 टाइम है तो इनको मैं आप कैसे लिखूँगा, 5 3 टाइम, और इनकी होल पावर क्या थी, 1/3, यहाँ पे x की पावर क्या है, 4, और यहाँ पे इनकी पावर है 4 और इनके साथ है 3, 4 1s are 4 और नीचे 3, यहाँ पे 3 से 3 पावर क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ सिंगल y। अब यहाँ देखें, हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये वैल्यू छोटी हो गई, और छोटी होने की वजह से पावर से पावर कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे आ गई 5, यहाँ पे आ गया x, x की वैल्यू यहाँ है 4/3, और यहाँ पे है y, ये y अपनी जगह, तो ये इनका एक रिलेशन बन गया जो इनका एक फाइनल आंसर है। अब हमारे पास ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे जिनकी पावर कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाएगी, कंप्लीट सॉल्व होने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनकी पावर मैच नहीं करेगी रूट इंडेक्स से। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप निकालें 64 और इनकी पावर आप निकालें 4, तो 64 इनकी पावर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल में चेंज करने का मतलब यह है कि आप इसके एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे आएगा कि 2 3s are 6,
टू टूज आर फोर, टू वंस आर टू, टू यहाँ शिफ्ट हो गया वन तो ये ट्वेल्व हो गया, टू सिक्स आर ट्वेल्व, टू एट्स आर सिक्सटीन, टू फोर्स आर एट, टू टूज आर वन फोर और टू वंस आर टू। तो यहाँ आप देखें कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमारे पास टू के सिक्स फैक्टर आ गए। तो इन्हें मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फोर और टू के सिक्स फैक्टर। अब ये सिक्स फैक्टर का मतलब ये है कि आप टू को ऐसे लिखें और इनकी पावर कन्वर्ट हो जाएगी वन ओवर फोर में। अब ये कंप्लीट सॉल्व तो नहीं हो सकता, लेकिन पावर से पावर दोनों इवन पावर है तो सॉल्व हो सकते ही है। जैसे टू टू ज़ार फोर और टू थ्री ज़ार सिक्स और थ्री वन ज़ार थ्री। तो यहाँ पे टू की पावर क्या आएगी, ये टू, टू की पावर आएगी थ्री ओवर टू। अब थ्री और टू का मतलब ये है कि टू को आप थ्री मरतबा मल्टीप्लाई कर ले और फिर आप टू इनका एक रूट बन जाएगा। अगर अब मैं एक्सपोनेंशियल को रूट में दोबारा शिफ्ट करना चाहूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये है टू, इनकी पावर क्या थी थ्री और मल्टीप्लाई में क्या थी वन ओवर टू। आप वन ओवर टू को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट में, वन ओवर टू की वैल्यू क्या थी वन ओवर टू, ये किसकी वैल्यू है रूट की। तो ये तो ऐसे आया और टू की पावर थ्री अपनी जगह आ गई। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रूट में, और ये किस में था, एक्सपोनेंशियल में। तो इस तरह एक्सपोनेंशियल और रूट में ये सारी वैल्यू कन्वर्ट होती है। इसके बाद हम रूल्स, इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, फार्मूलाज देखेंगे कि हमारे पास बेस अगर वेरिएबल वेरिएबल आ जाए तो इसको कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखें जिनमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, ये क्या हो जाती है। हमें मालूम नहीं होता कि अगर दो वेरिएबल आपस में प्लस हो रहे तो उनकी पावर ऐड होगी या सबट्रैक होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी डिटेल हम आपको बता देंगे। शुक्रिया।